अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आप सभी को ईद उल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों, आज जो है मेरी फ़र्स्ट ईद है सऊदी अरब के अंदर। तो जो है देखते हैं किस तरह से ईद जो है यहाँ पर मनाते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ है शेख साहब मोहम्मद आसिफ साहब। सबको पूरे मुसलमान ने भाई को चेयरमैन साहब के। तो गाइस, देख सकते हैं आप जो है ये लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ईद की नमाज यहाँ पर 6 बजे है। हम भी लोग माशाल्लाह नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज अदा कर ली गई है माशाल्लाह। तो अभी जो है दिखाता हूँ, ये लोग जो है सभी नमाज पढ़कर निकल रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है अभी। तो दोस्तों, आज जो है ईद का दिन है, तो हमने सोचा कि निकलते हैं बाहर के लिए, देखते हैं कि क्या क्राउड होता है, क्या जो है यहाँ पर किस तरह से ईद मनाते हैं। तो मुझे तो बहुत सन्नाटा लगा है यहाँ पर। जैसे अपने यहाँ जो है रौनक होती है, उस तरह की रौनक यहाँ मैं नहीं देख पाया हूँ। ये देखिए आप, ये मोहल्लों के अंदर सन्नाटा है, सब अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। तो देख सकते हैं आप गाइस, बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा है गर्मी है। तो मैंने भी आज जो है धूप से बचने के लिए कैप लगा लिया है। तो चलते हैं दोस्तों, आज जो है जद्दा के अंदर घूमते हैं और जानते हैं कि जो है किस तरह से ईद यहाँ मनाते हैं। तो गाइस, हमारी गाड़ी आ चुकी है। तो ये बैठे हैं हमारे शेख साहब, मिलिए इनसे। तो दोस्तों, हम जो है हमारी टीम पूरी आ चुकी है और हम निकल चुके हैं। जो कि आज जानते हैं ईद के दिन जो यहाँ का माहौल रहता है वो किस तरह का रहता है। तो मेरे साथ जो है नौशाद भाई, जो कि हम वतन सिवारे के हैं, और इन्हें तो आप जानते हैं शेख साहब को। तो गाइस, बाहर का आप जो है देख सकते हैं, बहुत तेज़ धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज का जो टेम्परेचर है जद्दा का वो 42 है अभी तक का। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं जो है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हाईवे पर, और ये जो है सिद्दीन रोड है। तो देख सकते हैं आप कैसा सन्नाटा छाया हुआ है। अगर हमारे यहाँ ईद होती है इंडिया में, तो वहाँ का तो माहौल ही अलग होता है। सऊदी अरब के अंदर पहली ईद है। हमारे शेख साहब ने जो है हमें पोस्ट करा कि अब ईद यहाँ कर ली जाए। तो शेख साहब की बात तो लाजमी है रखनी, क्योंकि शेख साहब के यहाँ जो है हम काम कर रहे हैं, तो इनकी बात तो लाजमी है रखनी। तो इसी वजह से जो है आपकी पहली ईद है।
तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं अरब मॉल में। तो दिखाता हूं आपको यहां की लोकेशन और क्या क्या सामान यहां मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मॉल में, ये देखिए आप। आसिफ भाई हमारे आए हैं मॉल, शॉपिंग कर रहे हैं अभी जी। क्या कहना चाहेंगे हमारे? क्या कहें भैया, बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ पे। आपके लिए महंगाई कैसी बड़े भाई? तो दोस्तों अभी पहुँचे हैं मॉल में। तो जो है यहाँ अगर अच्छा लगा तो आपके साथ भी लोकेशन यहाँ की शेयर करता हूँ। तो देखिए आप, ये एप्पल है, ऊपर जो है रेट लिखे हुए हैं यहाँ। और ये ऑरेंज है, इसके ऊपर जो है रेट देख सकते हैं आप। तो पहुंच चुके हैं लिफ्ट के अंदर और सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। रोक दो भैया, रोक दो, मेरा घर आगे हो गया। इधर क्यों बड़ा गर्दन नहीं लिया ना मेरे साथ? बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आकर। यहाँ लग रहा है कि ईद है। खाना खराब है, इंसान खराब, बहुत खराब है।